हे गाइस, दिस इज अंकुश कुमार एंड यू वाचिंग वन चांस द डांस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक के बिना शायद हमारा डांस पूरा अधूरा सा लगता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। सो गाइस, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारे आईब्रोज एंड आईज पे और दूसरा हमारे मुंह पे। और गाइस, हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसे 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम नवरस कहते हैं। नवरस में 9 यानी 9 एंड रस यानी एक्सप्रेशंस होता है। तो आइए हम जल्दी से उन सारे नवरस के नाम जानते हैं। पहले नंबर पर आता है हास्य रस, हास्य यानी हैप्पी। उसके बाद आता है करुण रस यानी सैड। उसके बाद आता है रौद्र रस यानी एंगर। उसके बाद आता है विभत्स रस यानी डिसगस्ट। उसके बाद आता है अद्भुत रस यानी वंडर। उसके बाद आता है भय रस यानी फेयर। उसके बाद आता है श्रृंगार रस यानी लव एंड ब्यूटी। उसके बाद आता है वीर रस यानी ब्रेव। उसके बाद आता है शांत रस यानी पीस। तो गाइज, ये थे हमारे नवरस। गाइज, हमारे फेस में छोटे छोटे मसल्स होते हैं, जिसके अलग अलग मूवमेंट से हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को अलग अलग दे पाते हैं। अगर आपका सॉन्ग हैप्पी वाला है तो आप हास्य रस का उपयोग करेंगे, अगर आपका सॉन्ग सैड वाला है तो आप करुण रस का उपयोग करेंगे। तो अपने सॉन्ग और इमोशंस के हिसाब से हम अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे सीखें हम एक्सप्रेशंस देना। तो गाइस, इसका एक सिंपल सा उपाय है कि आपके घर में जहाँ पर भी मिरर हो, उस मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और कोई भी रैंडम सॉन्ग को प्ले करिए और पहले उस सॉन्ग के इमोशंस को समझिए और वो आप ये समझिए कि वो सॉन्ग हमें किस इमोशंस की तरफ ढकेल रहा है। वो सॉन्ग हैप्पी वाला भी हो सकता है, सैड वाला भी हो सकता है, बिहेव वाला भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का सॉन्ग होगा। पहले आपको सॉन्ग को समझना है, उसके बाद खुद को उस सॉन्ग के कैरेक्टर में फील करना है। आपको सोचना है कि ये सॉन्ग के वीडियो में मैं खुद हूँ और मुझे इस सॉन्ग को प्रेजेंट करना है खुद के सामने। आप खुद ही ऑडियंस हैं और खुद ही जज हैं, और खुद के सामने आप एक्सप्रेशंस देना शुरू करिए। उस सॉन्ग के हिसाब से, उसके वर्ड्स के हिसाब से अलग अलग एक्सप्रेशंस जाएंगे। उसे आप खुद से समझिए कि किस जगह पे आपको वो सॉन्ग क्या एक्सप्रेशंस देने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप उस एक्सप्रेशंस को देना वहीं से सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गाइज। अब एक बात आती है कि आप जब भी अगर स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आपका एक्सप्रेशंस है लेकिन आप में वो एक्स फैक्टर और वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उससे आपका जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत मैकेनिकल और बहुत बनावटी दिखेगा। तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है, और वो कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आप उस सॉन्ग को फील करिएगा और उसके इमोशंस को समझिएगा। गाइज, अगर एक्सप्रेशंस देना है तो सॉन्ग की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए और बस आपको इंजॉय करना है। आपको खुद को उस सॉन्ग के अंदर फील करना है और उस सॉन्ग के हिसाब से आपको इंजॉय करना है। एक्सप्रेशंस बस एक अपने आपके बॉडी का एक ग्रूव है जो आपके स्टेप्स को 50-100% लेके जाता है। 50-100% अगर आपका स्टेप 50% है तो आपका अगर और आप अगर एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा दे रहे हैं तो वो आपका स्टेप्स को वो 100% कर देता है। आप पुराने डांसर्स को ले लीजिए, जैसे गोविंदा की पुराने जितने भी फिल्म हैं, वो जितने भी फिल्मों में उन्होंने डांस किया है, उनके स्टेप्स बहुत सिंपल होते थे लेकिन उनके जो एक्सप्रेशंस होते थे वो उस सॉन्ग को ब्लॉकबस्टर कर देते थे उस वक्त। तो सॉन्ग में आप जब अगर एक डांसर हैं या आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक थिएटर प्ले करते हैं, तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आपको खुद में इंजॉय आप आएगा आपको उस सॉन्ग को डांस करने में या कोई एक्ट प्ले करने में। तो एक्सप्रेशंस हमारे आर्टिस्टिक लाइफ में बहुत ज़रूरी है और ये एक नेचुरल फीलिंग लाता है। अगर आप सिंपल से बस एक स्टेप कर रहे हैं तो वो बहुत डल सा और बहुत बोरिंग दिखेगा, लेकिन उसे ही आप अगर एक एक्सप्रेशंस डाल के कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा और बहुत
इम्प्रूव दिखता है और सामने देखने वाले को अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है आपको देखने में, क्योंकि क्योंकि आप उसे खुद इंजॉय कर रहे हैं आपके एक्सप्रेशंस के साथ। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए गाइज। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशंस कैसे देना है। गाइज हम एक Q&A वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर मुझको लेके या डांस को लेके या चैनल को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब Q&A वीडियो में आपके क्वेश्चन को पिक करके देंगे। आई होप गाइज आपको अब तक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। बाय बाय, जय हिंद, प्लीज़।